गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर NTSC पॉइंट ऑफ व्यू. कॉम्पिटिशन के लिए इससे रिलेटेड ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आए, लेकिन बेटा कंसेप्ट जो होता है वो हमें न्यूमेरिकल्स से पता चलता है कैसे लगाने हैं. तो पहला सिंपल क्वेश्चन है, टू सी अ फुल साइज इमेज ऑफ आर सेल्फ वी शुड यूज अ प्लेन मिरर ऑफ डैश टाइम्स द हाइट ऑफ आर सेल्फ. अगर बेटा हमें अपनी फुल इमेज देखनी है तो जो मिरर है प्लेन मिरर उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए हमारी हाइट से. तो इसका आंसर हम यहाँ पे पहले डायग्राम से देखेंगे बेटा, ठीक है. तो मान लो यहाँ पे हमारे पास प्लेन मिरर है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं इसको, ठीक है. ये प्लेन मिरर है पॉलिश्ड पार्ट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम खड़े हैं. तो बेटा ये हो गया हेड, यहां हो गई आईज, और ये हो गया फीट, ठीक है. और लेट इट बी पी एंड क्यू पॉइंट. तो पी पॉइंट शुड लाई बिटवीन द हेड एंड आई. तो बेटा जो मिरर का ये पी पॉइंट है वो हेड और आई के बीच में, आई के बीच में लाई करना चाहिए. क्यों? अब देखो बेटा, हेड से लाइट जो आएगी इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट होगी आइस में, वैसे ही जो फीट से आएगी इंसिडेंट होगी वो भी आइस तक क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी. तो अगर हमारे पास जो मिरर है वो कैसा होना चाहिए बेटा, कितने साइज का, हाफ टाइम्स द हाइट ऑफ आर सेल्फ, द हाइट ऑफ आर सेल्फ. तो खुद से आधा शीशे में हम अपनी जो इमेज है उसको कैसे देख सकते हैं बेटा, फुल देख सकते हैं, ठीक है. तो लेकिन ये यहाँ पे याद रखना है, जो मिरर का ये पी पॉइंट है इट शुड बी लाई बिटवीन द हेड एंड आईज, ठीक है. क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे बेटा. अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस एन इमेज एम टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. If the image is real, then the distance of object from mirror is. इस numerical को यहाँ पे ध्यान से देखना है. Given क्या है, सबसे पहला information क्या बेटा यहाँ पे, mirror कैसा है, concave mirror है, ठीक है, जिसकी focal length दी है f. Let है ना, यहाँ पे हम इसका आंसर लिखेंगे, let focal length is f equal to minus f1. मान के चलते हैं F1. मिरर कैसा बेटा, कनकेव. कनकेव मिरर हैव ऑलवेज नेगेटिव फोकल लेंथ, ऑलवेज नेगेटिव फोकल लेंथ, याद रखना है. कनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या रहेगी बेटा, नेगेटिव रहेगी. इसलिए यहाँ पे हम मैंने क्या कर लिया, नेगेटिव साइन लगा दिया F के साथ, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, एन इमेज M टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ द इमेज इज रियल. बेटा देखो, अब अगर इमेज रियल है, अगर इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉज करो वीडियो और देखो, मैग्निफिकेशन होगी बेटा नेगेटिव. यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव M1, याद रखना है नेगेटिव. सो बेटा रिमेंबर दैट M इज, ये पहले भी कर चुके हैं, नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज. जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए, और पॉजिटिव होगी वर्चुअल एंड रेट के लिए. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है जो इमेज है बेटा वो कैसी है, इमेज इज रियल सो एम इज नेगेटिव वन, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज. अब देखो बेटा यहाँ पे यू क्या आगा, यू इज ऑलवेज नेगेटिव. तो यहाँ पे यू को हमने क्या लिख दिया, U1, यू इज ऑलवेज नेगेटिव. तो यहाँ पे बेटा हम यू को क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम जो यू है उसको लिख लेंगे हम यहाँ पे U1, लेकिन कैसा U1, माइनस का U1, ठीक है. तो u इज इक्वल टू माइनस U1. अब यहाँ पे फाइंड आउट हमें क्या करना है बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज. तो अब हमें पता है जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था, m इज इक्वल टू f डिवाइड बाय f माइनस u. ये फॉर्मूला हमने किया है, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u. बेटा m की वैल्यू डालेंगे तो m क्या है, माइनस M1 इज इक्वल टू f क्या बेटा, माइनस f डिवाइडेड बाय माइनस f
प्लस यू वन, माइनस यू वन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस यू वन। अब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये प्लस हो जाएगा माइनस एम वन एफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा एम वन एफ प्लस, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस एम वन यू वन इज इक्वल टू माइनस एफ। तो बेटा यहाँ कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है एम वन, ये आ जाएगा एम वन, यहाँ पे कॉमन आ गया, ये हो जाएगा एफ माइनस यू वन इज इक्वल टू माइनस एफ। ये हमारे पास क्या आ गया, एम वन इक्वल टू इस स्टेप को बेटा यहाँ से हटा देंगे, रद्द कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट की एम वन यू वन एफ वाली टर्म को एक तरफ ले जाए अगर, तो माइनस एफ माइनस एफ यहाँ हो जाएगा, अच्छा ये हो गया माइनस एफ, और यहाँ से ये टर्म आ जाएगी तो माइनस एम वन एफ। अब यहाँ पे वन वन लिखेंगे हम इसे, ठीक है, मैं वन लिखना भूल गए थे। अब देखो बेटा, माइनस एम वन यू वन इज इक्वल टू एफ वन कॉमन आ जाएगा, तो माइनस एफ वन को कॉमन ले लें, अंदर क्या बचता है बेटा, वन प्लस एम वन, ठीक है। अब यहाँ से यू वन क्या आ जाएगा, यू वन इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यू वन इक्वल टू एफ वन वन प्लस एम वन डिवाइड बाय एम वन। अब बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यू वन में ये वैल्यू डाल देंगे, तो यू क्या आ जाएगा, यू इज इक्वल टू माइनस, माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, वन प्लस एम वन डिवाइड बाय एम वन, तो ये इसका आंसर आ गया बेटा। माइनस साइन कुछ नहीं इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, माइनस साइन ओनली इंडिकेट्स दैट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट नेगेटिव साइन एट लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, अ रॉड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। तो एक रॉड है बेटा, जो जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर है, और उसको प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है जिसको ऑप्टिकल एक्सिस भी बोला जाता है, और कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, वन एंड ऑफ द रॉड इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा यहाँ पे क्या बोला है कि एक जो एंड है रॉड का इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अदर एंड बिटवीन एफ एंड सी। तो यहाँ पे अदर एंड कहाँ पे बेटा, एफ एंड सी के बीच में, है ना, एफ एंड सी। देन कैलकुलेट द लीनियर मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ गिवन लिखेंगे, तो गिवन कितना क्या क्या बेटा हमारे पास, यहाँ फोकल लेंथ है, कनकेव है, द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव इज नेगेटिव, सो माइनस 30 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इसको हम डायग्राम से समझेंगे, सभी ध्यान से यहाँ पे एक डायग्राम देखेंगे मैग्निफिकेशन का, यहाँ पे हमारे को मैग्निफिकेशन निकालनी है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा कि कनकेव हमारे पास क्या है बेटा, मिरर है, ऑप्टिकल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ भी बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस को ऑप्टिकल भी बोलते हैं। ये हो गया बेटा पोल, ये हो गया हमारे पास फोकस, और यहाँ हो गया बेटा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, फोकल लेंथ कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर, माइनस 30 सेंटीमीटर बोलो, लेफ्ट साइड में मिरर के, पोल से हम सारे मेजरमेंट करते हैं, सारे डिस्टेंसेज हम पोल से मेजर करते हैं, अपने साइन कन्वेंशन में इन चीज़ों को पढ़ा था। वन एंड ऑफ द रॉड इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बेटा एक तो जो रॉड है, चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रॉड को ब्लू कलर से बनाते हैं, तो रॉड का एक एंड तो कहाँ है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर में, यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, रॉड इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अदर एंड बिटवीन एफ एंड सी, इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेंगे, मतलब इसके और एफ और सी के बीच में है एक दूसरा एंड, तो हमने यहाँ बना दिया दूसरा एंड एफ और सी के बीच में कहीं पे, तो ये रॉड रखिए बेटा।
अब इस रॉड की लेंथ कितनी है? इस रॉड की लेंथ है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब यहां पे ध्यान से, यहां पे सभी इस डायग्राम को ध्यान से देखो, समझो। हमने कुछ नहीं किया है, जो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ उन्हीं चीजों को हमने लिखा है। अब बेटा यहां देखो, अगर एफ हमारे पास, अगर फोकल लेंथ -30 है, इसको सॉल्व हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, यहां से डायग्राम देखेंगे। अगर बेटा एफ हमारे पास -30 है, तो फिर हमारे पास आर क्या होगा? यहां से पोल तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? 60 सेंटीमीटर, जो आर होगा, बिकॉज आर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी बेटा? 30, 2 × 30 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब सी से पी तक का डिस्टेंस क्या हो गया? 60 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलो अब क्या करेंगे हम, यहां पे एक एंड को नाम दे देता हूं मैं, यहां पे इस एंड को ए नाम दे दिया और रॉड की इस एंड को बी नाम दे दिया। बेटा अगर आप बी पे देखोगे, बी ध्यान से देखो, अगर आप बी पॉइंट पे देखोगे रॉड के, ये प्रिंसिपल एक्सिस को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, वो आगे को एक्सटेंड कर देंगे। चल अब बी पॉइंट पे क्या है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और अगर आपने एक्टिविटी देखी होगी लास्ट टाइम, कैंडल वाली जो मैंने एक्टिविटी करवाई थी, उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, उसकी इमेज ठीक कहाँ बनती है बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही पास बनती है, उसी के नीचे बनेगी। तो लास्ट अगर लेक्चर नहीं देखा है वो देख लेना, उसमें एक एक्टिविटी है जिसमें मैंने शो किया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर में इमेज कैसे बनती है। इसका मतलब बेटा जो बी है यहाँ पे, अगर मान लो बी का डिस्टेंस पी से देखो कितना है, बी का डिस्टेंस पी से देखो कितना है, 60 है ना। इसका मतलब ऑब्जेक्ट यू इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये जो अभी ये एंड है रॉड का, जो ये एंड है बेटा, ये कैसा है? ये 60 सेंटीमीटर पे है, ये रेड कर रहा हूं मैं, जो ये एंड 60 सेंटीमीटर में है, कहां से? पोल से। तो इसका मतलब हमने क्या लिखा कि ऑब्जेक्ट है बेटा वो कितने पे है? 60 सेंटीमीटर पे। इसकी इमेज भी इधर ही बन रही है, इसका मतलब वी भी क्या होगा? -60 सेंटीमीटर ही होगा। सिंपल बात है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो यहां पे ये जो ये है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं बी डैश। इमेज की बी डैश भी कितने पे है बेटा? 60 सेंटीमीटर पे। अब आ जाते हैं ए की बात करते हैं। रॉड का हमने एक एंड की तो देख ली, इस एंड का तो देख लिया कि इमेज क्या बनेगी, अब ए एंड की देखेंगे इमेज क्या बनेगी। अब देखो बेटा यहां पे ध्यान देखना है, ध्यान से देखना, यहां से एफ बीच का कितना है? 30 सेंटीमीटर है, और यहां से एफ भी कितना है? 30 सेंटीमीटर, तभी तो 60 सेंटीमीटर हो गया ना ये पूरा, तभी तो 60 सेंटीमीटर हुआ, क्योंकि एफ का लाया करता है बिल्कुल मिडल में। तो बेटा देखो, अगर ये तो 20 सेंटीमीटर हो गया, रॉड की लेंथ तो 20 सेंटीमीटर होगी, ये बीच की लेंथ कितनी बच गई? 10 सेंटीमीटर की बच गई, 10 सेंटीमीटर की। अब देखो, अब पोल से ए का डिस्टेंस कितनी दूरी पे है? अब देखो बेटा, पोल से ए का डिस्टेंस कितनी दूरी पे आ गया? यहां तक कितना था, यहां तक कितना था बेटा? 30। देखो यहां तक कितना था? 30। अब यहां से 10 जोड़ेंगे, तो अब यहां से ए पॉइंट तक, पी से ए पॉइंट तक कितना हो गया बेटा? 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब हमारे पास यू क्या निकल गया? अब यहां मैं नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करता हूं। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये हमारे पास कि यू इज इक्वल टू, नाउ यू इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, एफ इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है बेटा हमें? वी अब निकाल लेंगे। तो वी कैसे निकलेगा? मिरर फॉर्मूला लगेगा, 1/V + 1/U = 1/F लगा लेंगे यहां पे, माइनस में आएगा V = -40 = -1/30, 1/V = -1/30 + 1/40। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1/V एलसीएम क्या आ जाएगा? 120 - 4 + 3, 1/V = -1/120 एंड V = -120 सेंटीमीटर। तो बेटा इमेज कितनी दूरी पे है? 120 सेंटीमीटर। ध्यान देना है यहाँ पे किसकी, जब U किधर है? -40 में। अब आ जाओ इमेज पे, तो बेटा देखो इस A पॉइंट तक, यहाँ ध्यान से देखो, इस A पॉइंट तक ये U था, ये U था हमारे पास,
इसकी इमेज कहाँ बन रही है बेटा, 120 पे। अच्छा यहाँ तक कितना हो गया 60, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक कितना डिस्टेंस है 60, तो इस 120 कहाँ होगा बेटा, कहीं पे, यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या बन गई, इमेज बन गई इस रॉड की। अभी ये ए था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डैश, समझना है। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, जो ये इमेज बनी इसकी लेंथ कितनी होगी। तो सिंपली हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेंथ ऑफ इमेज, तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी बेटा, देखो टोटल कितना है पोल से, देखो बेटा अब यहाँ ध्यान देना है, पोल से टोटल देखो ए डैश तक कितना डिस्टेंस हो गया, उधर तक कितना हो गया बेटा 120 का, पोल से यहाँ, पोल से अगर आप यहाँ पोल से चलो, यहाँ से पोल से चले यहाँ तक कितने का डिस्टेंस हो गया 120 का, और यहाँ तक कितना है बेटा 60, तो 120 से क्या माइनस करेंगे, इस 60 को माइनस कर देंगे, ये जो इस साइड को 60 आया उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे को इसकी लेंथ पता चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ सिंपल, 120 माइनस 60, तो लेंथ क्या निकली, इमेज की लेंथ कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफिकेशन कर लो, एम इज इक्वल टू लेंथ आई अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कितनी आएगी बेटा 60/20=3, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। डायग्राम समझना है आराम से, बस इसमें ये पता होना चाहिए बेटा, यहाँ ध्यान रख लो कि इस बी पॉइंट की तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, साथ में इस ए पॉइंट की कहाँ बनेगी बेटा, यहाँ पे, ठीक है, 120 सेंटीमीटर दूर कहाँ से, पोल से, वो यहाँ पे सॉल्व किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ रॉड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, अगेन बेटा सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जैसा है, एक रॉड है 5 सेंटीमीटर, लाए अलोंग अ प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, मिरर अगेन कनकेव मिरर, उस कनकेव मिरर की क्या है बेटा, फोकल लेंथ दे रखी है, तो यहाँ पे पी हो गया, ये एफ हो गया और ये सी हो गया। इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ यहाँ पे एक छोटी सी हिंट दूंगा, और आंसर मैंने साइड में लिखा है 3.75 इसका आंसर आएगा। तो ये हो गया बेटा 15 सेंटीमीटर का, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर की, तो सी तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा पी से 30 सेंटीमीटर, डबल ऑफ फोकल लेंथ, इन सच अ वे दैट द एंड क्लोजर, आगे पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, इन सच अ वे दैट द एंड क्लोजर टू द पोल इज 30 सेंटीमीटर। बेटा जो रॉड का एंड क्लोजर है वो कितने दूर है, 30 सेंटीमीटर एंड, एंड समझते हो, मतलब ये रॉड है ये ए बी, तो इसका ये जो एंड है वो पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। आई एम अगेन सेइंग, जो इसका बी पॉइंट है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पे है ये वाला, तो पहले इसकी इमेज देखना, आगे खुद क्वेश्चन पढ़ोगे, इतनी सेंट काफ़ी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द डेविएशन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। बेटा यहाँ क्या पूछा है, अब क्वेश्चन में पूछा है कि डेविएशन क्या होती है, डेविएशन का मतलब भी हम समझेंगे इसी क्वेश्चन में कि डेविएशन होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ प्लेन मिरर एंड लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, अभी समझेंगे कि किसी भी एंगल से लाइट आ रही है, तो बेटा ये कैसी लाइट है, इंसिडेंट रे है ये कैसी रे है, इंसिडेंट रे। अब जो इस इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, ये होना चाहिए, मतलब इंसिडेंट रे किधर जानी चाहिए बेटा, इस डायरेक्शन में, इसको हम डॉटेड वे में बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो जो एक्चुअल पाथ होगा वो ये होगा, लेकिन होता क्या है, लेकिन होगा क्या कि ये जो मिरर है, इस मिरर से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी एट अ सेम एंगल टू दिस डायरेक्शन, तो ये आ जाएगी मतलब रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है बेटा। एक्चुअल जो पाथ होना चाहिए लाइट रे का वो ये होना चाहिए, लेकिन डेविएट कहाँ को कर जाती है बेटा, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन है उस तरफ को क्या कर गया, ये डेविएट कर गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिरर इन फ्रंट ऑफ इंसिडेंट रे। तो बेटा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डेविएशन प्रोड्यूस्ड। अब देखो बेटा एक्चुअल पाथ ये था, मैं रेड में एक्चुअल पाथ को करूंगा, लाइट को जाना कहाँ चाहिए था, इस डायरेक्शन में,
ठीक है, लेकिन चली कहाँ गई, इधर को, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां से यहां तक का एंगल क्या हो, क्योंकि यही तो डेविएशन है, यही तो बेटा डेविएशन है। ठीक है, एक्चुअल पाथ क्या था इस इंसिडेंट रे का, क्या होना चाहिए था, लेकिन ये रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, तो ये क्या होगा, ये कितना एंगल होगा, ये हमें पता करना है। और इन्फॉर्मेशन ये दिया है दैट द इंसिडेंट ऑफ द इंसिडेंट प्रोड्यूस्ड इज, तो आई कितना दिया है बेटा हमारे पास यहाँ पे 60 डिग्री का, इंसिडेंट रे कितनी है बेटा 60 डिग्री। अब यहाँ पे अगर डेविएशन निकालनी है, डेविएशन का फॉर्मूला था बेटा 180 माइनस 2 आई, 180 माइनस 2 आई, जो ये निकलेगा, ये जो एंगल है यहाँ पे, इसका फॉर्मूला होगा 180 माइनस 2 आई। तो बेटा यहाँ पे आई कितना है, 62 × 60, ये हो जाएगा 180 माइनस 120, और आंसर क्या आ जाएगा बेटा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना है बेटा 60 डिग्री का, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इसी के बेस पे मैं एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पे दूंगा, इसका जो नेक्स्ट होगा, अगर इस ये क्वेश्चन समझ आ गया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप कर लोगे। इफ़ पी एंड क्यू आर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, पी एंड क्यू, दिस पी एंड दिस क्यू इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो बेटा यहाँ पे छोटा सा डायग्राम एक बनाऊंगा समझ के लिए, सिर्फ कनकेव होल एफ एंड सी, प्रिंसिपल फोकस, फोकस को ही प्रिंसिपल फोकस बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि पी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर को कुछ देर के लिए हटा दूँ तो ऑब्जेक्ट पी डिस्टेंस होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है जिसका डिस्टेंस कितना है प्रिंसिपल फोकस से पी, और बेटा एफ और पी का डिस्टेंस कितना है, एफ फोकल लेंथ, हमें पता है फोकस और पी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं। इसका मतलब पी से, ध्यान से देखो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसका मतलब पी से, यहाँ देखो इस पी से इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, पी प्लस एफ हो गया, हो गया। अब हम यहाँ इमेजिन करते हैं कि एक इमेज बना रहा है यहाँ पे ऐसे, मतलब ये क्या हो गया यू, ये कितने किसमें होता है माइनस में, तो हमारे पास ये वी, देखो बेटा प्रिंसिपल फोकस है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्यू पी एंड क्यू आर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, प्रिंसिपल फोकस से ये जो हमारे पास वी यहाँ पे इमेज बनी है, ध्यान से देखेंगे इसका डिस्टेंस कितना है बेटा क्यू, इसका मतलब पोल से, इस पोल से, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा पी प्लस क्यू, नहीं सॉरी एफ प्लस क्यू, क्यू प्लस एफ। ठीक है, इसका मतलब वी कितना हो गया लेफ्ट साइड पे नेगेटिव क्यू प्लस एफ, ये समझना है यहाँ पे। चलो फिर से बताता हूँ, नहीं समझ में आया फिर से बताता हूँ, फिर से बनाते हैं इसको, बड़ा बड़ा बनाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया एक कनकेव मिरर है जिसके पास क्या है, एक फोकल लेंथ है पी एफ और समवेयर यहाँ पे सी। ठीक है, फोकस, फोकल प्रिंसिपल फोकस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पे कहीं पे भी हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, वो है बेटा पी, और पी से एफ तक का डिस्टेंस को बोलते हैं हम, पी से फोकल लेंथ, कैपिटल एफ तक के डिस्टेंस को बोलते हैं हम फोकल लेंथ, ये स्मॉल एफ, ये एफ और पी के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, है ना। इसका मतलब ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, पोल से हम यहां से इस पोल से यू तक का डिस्टेंस कितना होगा बेटा पी प्लस एफ, पी प्लस एफ, लेकिन नेगेटिव लेफ्ट साइड पे है। अब मान लो यहाँ पे क्या बन रही है हमारी, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, इमेज बन रही है, मतलब v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। तो f से देखो बेटा, f से, इस f से इमेज तक का डिस्टेंस कितना दे रखा है q, इसका मतलब p से इमेज तक का डिस्टेंस कितना होगा q प्लस f, लेकिन माइनस में। ठीक है, लेकिन किसमें होगा, माइनस में, और फोकल लेंथ तो माइनस होगी। ठीक
ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आई होप समझ आ गया सभी को। तो यहाँ पे पहले हमारे पास u है, हमारे पास बेटा u इज इक्वल टू माइनस पी प्लस एफ, v इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस एफ। समझना इस क्वेश्चन को ध्यान से, f इज इक्वल टू माइनस एफ। और लास्ट में क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड एफ, है ना, पी क्यू और एफ में क्या रिलेशन है, तो देखेंगे हम। तो हमें पता है मिरर फॉर्मूला, जो रिलेशन बनता है 1/v + 1/u = 1/f, है ना, 1, 2 and 3, पुटिंग ये 4th, 1, 2, 3 इन 4, 1, 2, 3 को हम किसमें डालेंगे, 4th इक्वेशन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस का साइन क्यू प्लस एफ माइनस पी प्लस एफ इक्वल टू 1/-f। सॉल्व करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस पी प्लस एफ माइनस क्यू प्लस एफ डिवाइड बाय क्यू प्लस एफ पी प्लस एफ इज इक्वल टू 1/-f। माइनस पी माइनस एफ माइनस क्यू माइनस एफ डिवाइडेड बाय क्यू पी प्लस क्यू एफ, मल्टीप्लाई कर देंगे इस सिस्टम को, क्यू पी प्लस क्यू एफ प्लस पी एफ प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू -1/f। ठीक है बेटा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस पी एफ, ये एफ को यहां पे और ये यहां पे चला जाएगा, है ना। तो माइनस पी एफ माइनस एफ स्क्वायर माइनस क्यू एफ माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमा, यहां पे बीच में रहता है क्यू पी प्लस क्यू एफ प्लस पी एफ प्लस एफ स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे बेटा, इस टर्म से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, पी एफ प्लस एफ स्क्वायर माइनस क्यू एफ प्लस सॉरी प्लस क्यू एफ प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू पी प्लस क्यू एफ प्लस पी एफ प्लस एफ स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचता है, पी एफ प्लस एफ स्क्वायर। इसको आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं इसको पूरा इसको इलेबोरेट कर रहा हूँ, पूरा खोल के दिखा रहा हूँ, बाकी जिसको मैथमेटिक्स ठीक है वो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आराम से निकाल सकते हैं, पी एफ प्लस एफ स्क्वायर। देखो बेटा, यहाँ पे पी एफ, ये पी एफ, ये पी एफ, ये क्यू एफ, ये क्यू एफ, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2f² 2f², ये f और ये f ऐड हो गया। वैसे यहाँ से देखो, ये f square और ये f square भी कट सकता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ बेटा, यहाँ बचेगा हमारे पास f square only, ये हो गया f square और इस साइड क्या बच गया, क्यू पी, देन f इज इक्वल टू रूट ऑफ क्यू पी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फोकल लेंथ का जो रिलेशन है, जो फोकल लेंथ का रिलेशन है, एफ का जो रिलेशन है वो, चलो यहाँ नहीं लिख के इसको यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट लिख लेता हूँ, जो एफ पी और क्यू का जो रिलेशन बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू पी। इम्पोर्टेंट रिलेशन है, याद रखना है, ठीक है। ऐसा ही एक सिमिलर क्वेश्चन है, इसे आप खुद निकालोगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फिर से सोच देख लो बेटा, यहाँ पे समझ लो इस क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे मिरर लिया, एफ से पी के बीच का डिस्टेंस, यहाँ देखो एफ से पी का डिस्टेंस स्मॉल एफ होता है ना, और प्रिंसिपल फोकस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस इसमें बोला है कितना है, पी है बेटा, और इमेज का क्यू है, तो पी प्लस एफ क्यू प्लस एफ हो जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे है, और एफ इज ऑलरेडी माइनस, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिरर फॉर्मूला में पुट करके हमारा आंसर आ जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये. सो द क्वेश्चन इज, ये बेटा आप खुद करोगे. क्वेश्चन है द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज एफ. फोकल लेंथ कनकेव मिरर की क्या है? एफ है. पता है कनकेव मिरर की फोकल लेंथ माइनस होती है, फोकल लेंथ माइनस होती है तो इसको माइनस एफ भी लिख सकते हैं. एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये लाइन ध्यान से पढ़नी है, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल फोकस, मतलब एफ और यू के बीच, एफ और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा? एक्स दे रखा है. तो बताओ पोल और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स प्लस, खुद करेंगे इसको, लास्ट क्वेश्चन अच्छे से समझना है, खुद इस क्वेश्चन को करेंगे. और यहाँ पे आपको निकालनी है मैग्निफिकेशन, दिस इज योर क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कनकेव मिरर हैविंग फोकल लेंथ एफ फॉर्म्स इमेज 1/nth ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो बेटा 1/n क्या दिया है हमारे को यहाँ पे? मैग्निफिकेशन दे रखी है. 1/n समझ रहे हो? 1/n का क्या मतलब है बेटा? n से छोटा. इसका मतलब यहाँ पे जो है, जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट. एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट की जो मैग्निफिकेशन होती है बेटा वो क्या होती है? पॉजिटिव. याद रखना है m पॉजिटिव किसका होता है? अगर इमेज कैसी हो? वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो 1/nth से पता चल रहा है, ये जो 1/nth लिखा है, अगर यहाँ पे nth लिखा होता तो मैग्निफिकेशन क्या आती बेटा? नेगेटिव आती. 1/nth, ठीक है, n की जगह आप कुछ भी डाल दो, 1 को छोड़ के 2 डाल दो 0.5, 1 से छोटा आता है. 3 डाल दो तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 0.33, आगे सो ऑन, है ना. तो 1n की जगह कुछ भी डालो, 1 से कम ही वैल्यू आती है. और ये हमने पढ़ा है इफ m इज लेस देन 1 तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होगी? पॉजिटिव होगी. ठीक है, लेस देन 1 हो गया तो मैग्निफिकेशन कैसी रहेगी बेटा? यहाँ पे पॉजिटिव होगी. और इमेज कैसी होगी बेटा? इरेक्ट इमेज होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे. तो हमें पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू. मिरर के केस में एम इतना है, 1/n इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू. ठीक है बेटा, इतना समझ आया? तो यहाँ पे देखो, अच्छा अगर यहाँ पे एक तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिंपलीफाई किया है. एक मैंने फार्मूला बताया मैग्निफिकेशन का, एम इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे क्या है, हमने ये यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखो तो एफ की टर्म्स में, एफ की टर्म्स में, और मैग्निफिकेशन का वो कौन सा ऐसा फार्मूला है जो एफ की टर्म्स में है? मैंने लिखा है तो मैग्निफिकेशन होता है एफ अपॉन एफ माइनस यू. बेटा एम कितना है? 1/n इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू. ठीक है, एफ माइनस यू वहाँ चला जाएगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये यहाँ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा एफ माइनस यू इज इक्वल टू एन एफ. एफ को इधर ला देंगे, ठीक है, तो माइनस यू इक्वल टू एन एफ माइनस एफ, माइनस यू इक्वल टू एफ कॉमन एन माइनस वन. माइनस इधर को चला जाएगा, यू इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ये क्या आ गया आंसर बेटा? एफ इज इक्वल टू एन माइनस, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया बेटा यहाँ पे? 2. ऑप्शन नंबर 2 हमारा ठीक होगा. ये नेगेटिव साइन क्या आगे शो करता है बेटा? दिस नेगेटिव साइन ओनली शो द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. ठीक है, सिमिलर एक क्वेश्चन आप ऐसा करोगे, मैं दूंगा, वो आपका होमवर्क होगा. सो द लास्ट क्वेश्चन इज, अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ प्रोड्यूसेस एन इमेज एन टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इफ इमेज इज रियल देन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर. तो बेटा यहाँ पे क्या है, इमेज रियल है, आपको u फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ दी है और मैग्निफिकेशन दी है n टाइम्स. तो ये क्या है, ये लास्ट है, इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, प्लीज़ सॉल्व दिस. ये आपके ऑप्शन है, वीडियो पॉज कर लो जहाँ पे आपको लगता है क्वेश्चन लिखना है, आराम से क्वेश्चन लिख लेना. और कमेंट पे सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं सभी कमेंट करके यहाँ पे आंसर उसका देंगे. तो बेटा ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना है, सभी इन क्वेश्चन को ध्यान से देख के करेंगे. ठीक है, तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है. ठीक है, कुछ समझ ना आएगा, ना आए तो पूछना. ठीक है, सो थैंक यू बच्चों.